हाँ तो भाई हमारे प्रॉपर लेसन लग चुके हैं वो, इसलिए कि जो लास्ट वीक हो रहा है हमारे साथ, पहले तो हमने सोचा कि इंडिया और इंग्लैंड का जो मैच होगा उसमें इंडिया शिकस्त दे देगी इंग्लैंड को, लेकिन इंडिया बहुत ही कोई लानती के बच्चे हैं। छोड़ो, मैं कोई लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन पता चल रहा था पूरी तरीके से उनकी बॉडी लैंग्वेज चेंज थी, बिल्कुल चेंज थी, और वो जीतना ही नहीं चाहते थे। और हार्पिक वाले कपड़े पहन लिए थे उन्होंने, हार्पिक है या पेट्रोल पंप वाले कपड़े पहन लिए थे, मतलब हंसी भी आ रही थी। और उनको देखते हुए जिस तरीके से वो खेल रहे थे, वो देखते हुए भी हंसी आ रही थी। अब समझ नहीं आ रहा था हम क्या करें। फिर उसके एक दिन पहले, जो एक दिन या दो दिन पहले पाकिस्तान अफगानिस्तान का मैच होता है, जिसमें काफ़ी अच्छा कड़क मुकाबला होता है, जिसमें पाकिस्तान वही अपने रिवायती खेल खेलता है कि बहुत फंसा के मैच खेल रहे हैं, और हमें बोर नहीं होने दिया पाकिस्तान में, बिल्कुल भी पाकिस्तान टीम ने हमें बोर होने नहीं दिया। उन्होंने बिल्कुल वही मुजाहरा करा कि भाई आखिर में हम लोगों को लेके जाना है मैच, और इस तरीके से जाना है। लेकिन हैट्स ऑफ टू इमाद वसीम और हमारे भाई वहाब रियाज। वहाब रियाज का जो हाथ था वो फ्रैक्चर था, आई थिंक अंगूठा अंगूठा या उंगली थी आखिरी, कोई एक चीज़ होगी, वो फ्रैक्चर थी, लेकिन उन्होंने स्पोर्ट्समैन का मुजाहरा करा और हमें जीत की राह की तरफ गामजन कर दिया, और हम जीत गए मैच। फिर उसके बाद जो होता है वो अफगानी, आपको पता है, फड्डे करने शुरू हो गए, मारने शुरू हो गए पाकिस्तानी, लेकिन पाकिस्तानी भी कम नहीं है भाई, छेड़ रहे थे मुसलसल, छेड़ रहे थे। आई है वीडियो, आई है, पर वो मैं दिखाना नहीं चाहता अभी, वो हम फिर कभी दूसरी वीडियो में दिखाएंगे आपको अगर मौका मिला। तो भाई सबसे पहले तो ये कि मैं आप सबसे ये बोलना चाहता हूँ कि पाकिस्तानी भाइयों, जितनी दुआएं कर सकते हो कर लो आज के मैच में, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के मैच। अगर आज न्यूजीलैंड जीत जाते तो इंग्लैंड बाहर और पाकिस्तान इन। पाकिस्तान इन तब होगा जब वो बांग्लादेश को मैच मारेगा। अब दुआएं कर लो, कमर कस लो, जो करना है करो, जितनी दुआ कर सकते हो। पाकिस्तानी की दुआएं, मुसलमानों की दुआएं जो लगती हैं वो सबसे ज़्यादा होती हैं, कामयाब भी होती हैं और कबूल भी होती हैं। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तानी टीम का साथ दें, अभी बहुत मुश्किल से दो चार हुई है वो, और ये कि हमारे लहसुन भी लग चुके हैं। तो बस यही है कि जितना हो सकता है अपनी टीम के लिए दुआ करें, और कोशिश करें कि अगर हम इस आज मैच में कामयाब हो जाते हैं, अगर न्यूजीलैंड न्यूजिस्तान न्यूजिस्तान अगर कामयाब होती है, तो हमारे सेमीफाइनल में जाने के रास्ते काफ़ी खुल जाएंगे। वो कैसे पता चलेगा? वो 5 तारीख को पता चलेगा, जब पाकिस्तान एक अच्छे मार्जिन से बांग्लादेश को, नहीं बांग्लादेश को सिर्फ हरा दे, तो पाकिस्तान क्वालिफाई कर जाएगी। लेकिन अगर अगर खुदा ना खास्ता आज न्यूजीलैंड मैच हारती है, तो फिर न्यूजीलैंड के भी लहसुन लग जाएंगे, और फिर पाकिस्तान को एक बहुत बड़े मार्जिन से बांग्लादेश को मारना पड़ेगा अपने रन रेट को बेहतर करने के लिए। तो इस चूहे बिल्ली के खेल में हम तो पूरी तरह फंस चुके हैं, अब बस दुआएं बचा सकती हैं। और मुझे पता है कि पाकिस्तानी आवाम अपनी पाकिस्तानी टीम से कितनी मोहब्बत करती है, और वो उसके लिए कुछ भी करेगी, कुछ भी।